अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस लेक्चर में हम हार्ट एयर गन को इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखें, ये हार्ट एयर गन है। ये आपने जब इसे इस्तेमाल करना है तो इसका अब एसी सोर्स में इसको लगा देना परमानेंट। उसके बाद जब भी आपने इसकी ज़रूरत हो तो इस बटन से आपने इसको ऑन कर देना। जो ही आप ऑन करेंगे चालू हो जाएगी। ये इसका हीट एडजस्ट करने के लिए वॉल्यूम है और ये इसका एयर कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम है। तो आपने देखना है कि आपने एयर कितनी रखनी है। ये ना कि आप बहुत तेज़ एयर रख दें और इसकी वजह से कंपोनेंट सारे के सारे उड़ जाएं बोर्ड पीसीबी से, या आप इतनी कम रखें कि उसका कोई असर हीट ही ना पहुंचे पीसीबी को। तो आपने इसको ख़ुद देखकर एडजस्ट करना है अपने अंदाज़े से। आपको जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे आपका तजर्बा होता जाएगा। तो ये कि एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह सकता 5 पर रखना है 4 पर रखना है, क्योंकि मुख्तलिफ हार्ड एयर गन्स की स्पीड में थोड़ा फ़र्क होता है, मुख्तलिफ होती है अंदर से। अच्छा, बात का तो ऐसे होता है कि एक हार्ड एयर गन जो है उसकी हवा बहुत तेज़ होती है, इवन के बंद कर दें फिर भी बहुत तेज़ होती है। उसके लिए आपने उसको खोलना है, यहाँ इसके एक सर्कट बोर्ड होगा, उसके ऊपर अंदर एक वॉल्यूम है, उसको आपने कम कर देना तो ये फिर हवा कम हो जाएगी। इसकी ये बटन से भी आप काम कर सकते हैं। वैसे फिर ये कि उसके अंदर थोड़ा सा अंदर से ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ से कम करने से खास फ़ायदा नहीं होता। ये दोस्तों, ये यहाँ से आप हीटर आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कितनी हीट रखनी है। तो ये भी तो इसमें वेरिएशन है, मुख्तलिफ होता है, लेकिन आम तौर पर 5.5 के करीब ही काम चल जाता है मेरी हार्ड एयर गन में। और एयर जो इसमें तकरीबन मैं 4 के इर्द गिर्द रखता हूँ। लेकिन जब आपने पीसीबी को साफ़ करना है, मसलन कि उसको सीटीसी से वाश किया, फिर जो है हीट को बिल्कुल कम, फुल बंद, और एयर को फुल ज़्यादा। ये देखिए कितनी आवाज़ आ रही। और जब बोर्ड के ऊपर काम करना है आईसी वगैरह के ऊपर, तो फिर आपने दोनों चीज़ों को दरमियाना सा रखना है। एयर को रख लेना आपने 4 के करीब, और इस हार्ट एयर गन के हिसाब से बता रहा हूँ, और हीटर को मैं 5.5 पर रख लेता। अभी 5 मिनट इसको चलने देना ताकि ये बिल्कुल अपनी सही हीट पकड़ ले, उसके बाद ही इसको यूज़ करना है, ऐसे पहले यूज़ नहीं करना। दोस्तों 5 मिनट हम इंतज़ार करते हैं। दोस्तों तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब हमने ये एक पीसीबी है, इसके आईसी ये वाले जो हैं इनको हार्ड करना है, रिसोल्ड कर देंगे ताकि ये अगर इसमें कोई पॉइंट मिस है तो वो हार्ट जब इसको करेंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा। और आमतौर पर अक्सर डेड फोन जो है ना, उनको जब गर्म करें हार्ट एयर गन से तो ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपने हवा को मुनासिब रखना है, हार्ट एयर गन को 5 मिनट चलने देना है। अब ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो गई तो ये इसके पुर्जे जो है ना, ये छोटे छोटे कंपोनेंट ये ऐसे उखड़ कर ऐसे फेंकेंगे, धमाके से उखड़ जाएंगे, आईसी फट जाएगा और मोबाइल हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। अक्सर मैकेनिक जो है ना मोबाइल का सत्यानाश कर देते हैं, हीट ज़्यादा दे देते हैं, आईसी फट जाते हैं, तो फिर वो पहले ही डेड होता है फ़ोन। तो जो ग्राहक लेकर आता है जब और उसका खाना ख़राब कर दें, तो ग्राहक को कौन सा पता चलना, उसका तो पहले ही बंद था। तो यह है कि पहले उसका बंद तो था लेकिन ठीक हो सकता था, अभी ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये पीसीबी है, इसके ऊपर आपने इसको सबसे पहले पीसीबी होल्डर में कसना है। ये पीसीबी होल्डर है। नहीं, एक और मैं आपको टेक्निक बताता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कितनी हीट देनी। ये एक और फजूल सा पीसीबी है, इसको मैं पीसीबी होल्डर में कसता हूँ, इसको मैं हीट देकर इसकी आईसी उतारता हूँ और देखता हूँ सेकंड में काउंट करता हूँ कितने सेकंड में आईसी उतरती है, फिर उसको भी उतने सेकंड हीट देंगे। इस तरह आप ओवर हीट देने से बच जाएंगे। देखें, ये मैंने लिया दोस्तों, अब मैं इस आईसी को हीट देता हूँ, देखता हूँ कितनी देर में ये उतरती है। हार्ड एयर गन को लिया, इसके ऊपर मैंने डालना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये देखें दोस्तों 16 सेकंड में ही उतर गई है। तो अब हम उसको भी तकरीबन इतनी देरी 16-17 सेकंड हीट देंगे। ये अब मैंने पीसीबी लिया जिस पर हमने काम कर रहे थे, जिसको हमने ठीक करना था। तो अब इसके ऊपर दोस्तों पेस्ट
डालते हैं। ये देखें, इधर थोड़ी सी पेस्ट डाली, सर इधर भी पेस्ट डाल देनी है, इधर भी जिस जिस पर आईसी के ऊपर आपने काम करना है सब पर, इनको भी हमने हीट देनी है। आमतौर पर ये जो बड़े आईसी होते हैं इनको ज़रूरत है छोटे कंपोनेंट को बाद केसेस में ना भी दें तो कोई बात नहीं, उनका भी इतना मसला नहीं होता, उनमें इतना फॉल्ट नहीं था, अक्सर इन बड़े आईसी में होता है। अब 16-17 सेकेंड में इसके एरिए को हीट दूँगा, थोड़े से एरिए को, फिर अगला एरिया पकड़ लूँगा। पहले मैं इसका ये वाला एरिया लेता हूँ, इसको मैं 17 सेकेंड हीट दूँगा हॉट एयर गन से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये वाला एरिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब ये भी हो गया। अब इन आईसी को हीट देते हैं जिनके ऊपर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतनी बहुत है इस आईसी को। दोस्तों एक जगह पर हीट हॉट एयर गन को टिका नहीं देना, वरना उस एरिया पर हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पुर्जे जाएंगे फट और फूल। अब ये बोर्ड है इसको धोना है, धोना किससे दोस्तों, एमबीसी से, सीटीसी से ये वाश नहीं होगा। ये देखो ये मेरे पास बोतल, इसमें एमबीसी है, ब्रश लिया इससे ऐसे ऐसे 5 मिनट पड़ा रहने देना है, उसके बाद इसको वाश कर देना। वाश करने से क्या होगा कि जितनी आपने इसके ऊपर पेस्ट लगाई है उतर जाएगी, पीसी भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। ऐसे 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 रखना, पीसी को ऐसे खींचना, फिर डिप करना है, रख कर ऐसे जितना जहाँ जहाँ आपने लगाई थी। ये पीसी भी हो गया साफ़ सुथरा। अब इसको ऑन करना है आपने, इंशाल्लाह ये ऑन होगा।